अब आप किस कंडीशन में आए थे, बैक पेन के लिए क्या हालत थी और अब आज कैसे हो, सारा जरा हमारे मरीजों को बता दीजिए। ठीक है, पहले मैं जिस अवस्था के अंदर आई थी इतनी बुरी हालत थी मेरी, मतलब दो दो जने मेरे को पकड़ के लेके आए थे और बिल्कुल कंडीशन ऐसी थी जैसे ऑपरेशन की हो। लेकिन अब एक मंथ हो गया है मेरे को, एक मंथ में डॉक्टर साहब ने इतनी इम्प्रूवमेंट मेरे को दी है कि मैं विदाउट बैलेंस थोड़ा थोड़ा सा चल पा रही हूँ। और इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल था और बिल्कुल नॉर्मल हूँ इस टाइम में। आप बैठ पा रहे थे पहले दर्द की वजह से? बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी, ना बेड पे ना वैसे किसी उससे नहीं बैठ पा रही थी। और डॉक्टर साहब के एक्सरसाइज से मैं इतनी इम्प्रूवमेंट में हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। ये स्पाइनल अलाइनमेंट आपका हुआ जो मैंने ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद आप ये बताइए कि आपके कहाँ दर्द था, कमर में था, टांग में? कमर से लेके पूरी टांग के अंदर इतना पेन था कि टांग नीचे भी नहीं रख पा रही थी एक टांग को। दो दो जने पकड़ रहे थे मेरे को और अब मैं इतनी अवस्था के अंदर हूँ मैं खुद दोनों टांगे रख करके अपने आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रही हूँ। किसी ने सर्जरी के लिए बोला था आपको ऐसा? हाँ, सर्जरी के लिए बोला था। मैक्स हॉस्पिटल में गई थी दिल्ली, सबने मेरे को सर्जरी के लिए बोला था। अब आपको लगता है सर्जरी की जरूरत है? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा और बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस कर रही हूँ मैं। चलो मतलब अच्छा है, ट्रीटमेंट ठीक लगा आपको हमारे? बहुत ही आशीर्वाद है कि आपका जो है ये जो हॉस्पिटल है या कुछ भी है क्लिनिक बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब है बस आपको बूस्टअप करने के लिए कि स्पाइनल अलाइनमेंट से बहुत फायदा होता है, ट्रीटमेंट से बहुत बेनिफिट होता है। बस आपको अपना ध्यान रखना है और एक्सरसाइज रेगुलर करनी है जो भी बताई है आपको। रेस्ट अभी भी कंटिन्यू करना है, अब आपको डेली आने का जरूरत नहीं है, अब हफ्ते में सिर्फ एक दिन आना है आपको। ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।